इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। मुलाहिजा फरमाया हजरत सदाए मातम असर आशूर का वह हंगाम जब मेरा मर्द और इमाम जख्मों से जो इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। भैया अब्बास तेरा आका नमे गुर्बत में जो तनहा है, क्या मदद को ना होगी। बसादारों की मसाइल से मुतसिल होते हुए सदाए शहजादिया दरमियान गुंडे लुटे हुए गुंडे का पुरसा जहाँ जहाँ भी मोमिन तशरीफ फरमा है, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। इमदाद को आ जाओ भाई, मिस्र सानी बतौर खास का लश्कर घेरे है। इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। कैफियत इमाम मज़लूम करबला, बज़बान इमाम मज़लूम करबला, बतौर खास शाम का लश्कर घेरे है। इमदाद को आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे है। कोई ये कहता मारो पत्थर, कोई है कहता छीन लो चादर। कैसे अहले हरम इस बंद के हवाले से मोमिन, कोई है कहता मारो पत्थर, कोई है कहता छीन लो चादर। सहमी हुई है माजाई, शाम का लश्कर घेरे है। बतौर खास आग लगा दो खैमों में, शोर हुआ है आदा में, आग लगा दो खैमों में। फौजों की है देखो चढ़ाई, शाम का लश्कर घेरे है। तो आ जाओ भाई, शाम का लश्कर घेरे। और ये हसास बंद बतौर खास जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँचने बताने का हजरत देते हैं ये जालिम ताने, काट चुके अब्बास के शाने। ये जालिम ताने, काट चुके अब्बास के शाने। देते हैं ये जालिम ताने, काट चुके अब्बास के शान। दिल पे है खंजर चलता भाई, शाम का लश्कर घेरे है। अब सदाए मातम के साथ लेकर आखिरी पल मुलाहिजा फरमाए भाई, शाम का लश्कर घेरे है।
तेरे मरने से बरादर टूट चुकी है मेरी कमर। कैफियत इमाम मजलूम ने करबला बज़बान इमाम मजलूम। टूट चुकी है मेरी कमर तेरे मरने से बरादर टूट चुकी है मेरी कमर। लाश अकबर उठ ना पाई शाम का लश्कर घेरे है। इस सिलसिले का मकसद मुलाकात फरमा मोमिन सदाए माता का मरका पेशे खिदमत। कैसे बया इरफान हो मंजर था मैं कमर जब कहते थे सरवर। इरफान हो मंजर था मैं कमर जब कहते थे सरवर। कैसे बया इरफान हो मंजर था मैं कमर जब कहते थे सरवर। आ जाओ मेरे फदाई कर घेरे है। तो आ जाओ भाई शाम का लश्कर घेरे है। सलाम हो उन मुकद्दरात इस्मत और तहारत पर कि जिनके पाकीज़ा सरों से पाकीज़ा रिदाएँ छीन ली गई। सलाम उन सैदानियों पर कि जिनके हाथ पसे गर्दन बांधे गए। सलाम हो एक दूस बेटी का जो करबला से शाम तक मुसलसल ऊँट की बुलंदी से खुद को गिराती रही। अज़ादारो आओ आलम तसव्वुर में करबला चले। 11 मुहर्रम का वो हंगाम कि जहाँ एक बहन अपने भाई की लाशें को पहचान नहीं पा रही है, भाई की लाशें का तवाफ करती जाती है, सवाल करती है, ये लाश है बेसर इतना बता दे कि क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। अज़ादारो लाश है बेसर से आवाज़ आई, हाँ मेरी दुखिया बहन, ए मेरी मुसाफिरा बहन जैनब, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। अज़ादारो बैसी मसायब से मुतसिल होते हुए इस साल का नया नौहा बतौर फरमाइश पेश कर रहा हूँ। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएँ, इंशाल्लाह मुसाफ होंगे और शहजादे अलमियान को उनके लुटे हुए सुनने का फुरसा। इस तरह बयान
अंता अखी हुसैना अंता अखी हुसैना अंता अखी हुसैना अंता अखी हुसैना। एक बहन अपने भाई से सवाल कर रही है, मुलाजा फरमाए जाता है बहन अपने भाई के लाश को पहचान नहीं पा रही है, मुलाजा फरमाए जाते हैं मोहब्बत और इखलास। लाश बुरी दादे के कहती है एक बहन, सर भी नहीं है जिस्म पे बाकी ना पहरान, और बैन बताओ रेखा ये मरने वाले बेसर, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? लाश बेसर से आवाज आई थी, हाँ मेरी बहन ज़ैनब, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। बाजादारो ये भी मस्जिद का बन बुला कर फरमाए दफ़तन, बोला तड़प के लाशाए बेसर ज़रूरतन, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ पहचान बहन। मर्जी का बन बताओ रे कार के ना के दर गए
بے شہزادی زینب بے وسیع شہزادی زینب بزبان شہزادی زینب میں گھومتی ہوں ننی سکینہ کی در گئی یا حسین تیرا سر کہاں ہے؟ تڑپ کے لاشائے بے سر سے ایک آواز آئی، اے میری بہن زینب تم میرے سر کے بارے میں پوچھتی ہے، اے بہن تم بتا گی تیرے سر کی چادر کہاں ہے؟ عزاداروں یہ بھی مرثیے کا بن ملاحظہ فرما، جل گیا بے زبان کا جھولا بھی جل بیت بتاؤ خاص صد ہے بے زبان کا جھولا بھی جل گیا تمہارے سر کی چادر مدت کے بعد چھوٹ کے جانا ہو جب وطن نانا سے کہنا وعدہ طفلی نبھا دیا سب کچھ لوٹا کے دین خدا کا چالیا کچھ لوٹا کے دین خدا کا بچا لیا سب کچھ لوٹا کے دین خدا کا بچا لیا یا اختی زینب اے نار داؤ کا سکینہ اٹھاؤں گے زندہ میں ایک ننھی سی تربت بناؤں گے بہن نے اپنے بھائی کے لاشے پہ جو وعدہ کیا ہے بتاؤ خاص
लाशा पड़ा था जिस वक्त शहजादी ज़ैनब बयूर के लाशे पर पहुंचे, खुद को भाई के लाशे पर गिरा के एक मुठिया पड़ा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अजगारों मर्जिया का ये भी बन बुला था फरमाए और गिर पड़े हसरत जितनी दिल में मेरे शेर मर गए रहकर तुम्हारे कब्र पे करती मुजावरे ये है छह महीने का असगर नहीं रहा Hey!
शहजादी जनाब ज़ैनब की गुरबत इमाम हुसैन की गुरबत को बयान कर रही है अंजुमन असरिया कदीम अमर सुल्तानपुर। मतंदारो अजादारो सुनना क्या गुरबत थी, खुदा किसी बहन को इतना गरीब न बनाए जितना जनाब ज़ैनब करबला के मैदान में हुई। मैं बताऊँ आपको भाई बहन में कितनी मोहब्बत थी। मैं बताऊँ जनाब ज़ैनब की जब शादी हुई है ना, तो जनाब ज़ैनब अपने ससुराल जब गई तो उस वक्त अरब का एक कानून था कि 3 दिन के बाद लड़की की माँ अपनी बेटी से मिलने जाती थी। यकीन मानिए कि जब जनाब ज़ैनब की शादी हुई है ना, इंशाल्लाह हर आंख से आंसू निकलेगा। आप गुरबत जनाब ज़ैनब को जरा इंसाफ से इंसाफ करिएगा, क्या गुरबत थी जनाब ज़ैनब की। शादी हो गई, 3 दिन जब आया है तीसरा दिन ना, तो मौला अली घर में आए, एक कोहराम मच गया क्योंकि माँ है नहीं, ज़ैनब के घर कौन जाए। इमाम ने जैसे ही इस गिरिए का आलम देखा, फिजा को बुलाया, कहा फिजा तुमने ज़ैनब को पाला है, तुम ज़ैनब की माँ जैसी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ैनब की खबरगिरी के लिए जाओ। रवायतें बताती है कि फिजा जनाब ज़ैनब के घर गई, उस वक्त गई जब जनाब ज़ैनब एक खुजरे में मुसल्ला इबादत पर नमाज अदा कर रही है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही दूर से देखा कि फिजा आ रही है ना, एक पतवा जनाब ज़ैनब ने ढाड़े मार के रोना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही रोना शुरू किया ना, फिजा पास गई, उस एतबार से समझाना शुरू किया कि तीसरा दिन है, जनाब ज़ैनब को माँ की याद आ रही होगी, उस एतबार से समझाना शुरू किया, शहजादी आपकी माँ नहीं है, परेशान न हो, मैंने आपको माँ जैसे पाला है, मैं आपकी खबरगिरी के लिए आ गई हूँ। जनाब ज़ैनब फिजा की बातों को सुनती रही, रोती रही। एक बतवा जब जनाब ज़ैनब को ये एहसास हुआ कि फिजा ये सोच रही है कि मैं माँ ज़हरा के लिए रो रही हूँ, तो एक बतवा अपने सर को उठाया, कहे फिजा क्या समझती हो कि मैं किसके लिए रो रही हूँ। कहे शहजादी तीसरा दिन है, अरब का कानून है कि बेटी की खबरगिरी के लिए माँ आती है, माँ आपकी है नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको अम्मा ज़हरा की याद आ रही है। मगर जैसे ही ये ज़ैनब ने सुना, एक मर्तबा अपने मकाम से खड़े हुए, कहा फिजा मैं अम्मा के लिए न रो रही हूँ। कहे फिजा ये ज़ैनब ये बता इसलिए रो रही है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना, कहे फिजा इंसाफ से बताना, 3 दिन हो गए हैं मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा है। जरा सोचिए जब 3 दिन के आलम में बहन अपने भाई को ना देखे, तो ये आलम अरे उस बहन ने कैसे देखा होगा। 70 कदम की दूरी, शिब्र का कुंद खंजर, हुसैन का सूखा गला, बहन तिल्ले ज़ैनबिया से आवाज दे रही है, ए लईन अगर मेरे बाबा को ज़िबह करना है तो कम से कम पानी पिला दे। मगर ज़ैनब ने देखा भाई का गला, कुंद खंजर, जालिम का खंजर, फिजा में कावाज, अला कद कुतल अल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बिकरबला। इमाम हुसैन की उस गुरबत को नहोमातन की शक्ल में बयान कर रही है अंजुमन असरिया कदीम अमर सुल्तानपुर। बारगाहे शहजादी आलम में उनके बेकस लाल को पुरसा पेश कर रही है इस अंजुमन के। इंशाल्लाह दो नौहों के बाद मैं मुल्तमिस रहूंगा अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ की खिदमत में कि वो इस अंजुमन के फौरन बाद आमादा नौह मातम रहेंगे। दश्त में रह गई तनहा तो वतन याद आया, दश्त में रह गई तनहा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्नदान याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पर पहुंची तो कफन याद आया, भाई की लाश पर पहुंची तो कफन याद आया। अंजुमन असगरिया कदीम भट सुल्तानपुर या हुसैन। अरबा बेहद मैं जो नाम पेश करने जा रहा हूँ ये न हो बतौर हो बतौर फरमाइश तला गुज़श्ता का जनामा कि जिस वक्त इमाम मज़लूम करबला रुख़सत आखिर को दर खैमा पाए आन के आवाज़ दी या उख़्ती ज़ैनब अलैकुन्ना मिन्निस्सलाम, ए बहन ज़ैनब तुम का मेरा आखिरी सलाम। रज़ादारों बहन ने भाई को गले से लगा लिया, ए भैया इस आलम में गुरबत में किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। तड़प के इमाम मज़लूम में करबला ने एक मरसिया पढ़ा, ए बहन ज़ैनब सुबह से लाशें उठाते उठाते तेरा भाई थक गया, ए बहन
इस वक्त मुझे मेरे भैया अब्बास की बहुत याद आ रही है। हजारों पर इसी मसायब से मुंतसिल होते हुए इमाम मज़ूम करबला को इमाम मज़ूम करबला ने किस किस लम्हे पे मौला गाजी को याद किया है, ये नौहा मुलाहिज़ा फरमाएं। इंशाअल्लाह मुसाफ होंगे और शहजादी नमियान को हुसैन मज़लूम का फुरसत। زبان امام مذہب میں کربلا یاد آتا ہے زمانہ وہ مجھے بابا کا وقت آ کے میرے بھائی کو مجھے سونپا تھا ننھے شانوں کا لیا کرتے تھے بابا بوسا روک کرتے تھے دعا دے کے علم مشکیزا ننھے شانوں کا لیا کرتے تھے بابا بوسا
रोके करते थे दुआ देके अलम मशकीजा। तू है सखाए हरम और तू मेरे लश्कर, मैं गरीब हो गया। पास की आती है बहुत है ज़ैना, याद पास की आती है बहुत है ज़ैना। याद याद उस वक्त भी गाजी की बहुत आई थी, जिस घड़ी सीने अकबर में अनी उलझी थी। याद उस वक्त भी गाजी की बहुत आई थी, जिस घड़ी सीने अकबर में आनी उलझी थी। हाय जब दर्द से तड़पा था मेरा नूर नजर, जहाँ जहाँ भी मोमिन साहब है औलाद का मजमा है। कब्र असगर पे जरूरत थी बहुत पानी की, याद उस वक्त भी आई है बहुत गाजी की। कब्र असगर पे जरूरत थी बहुत पानी की, याद उस वक्त भी आई है बहुत गाजी की। मैंने तुर्बत अली असगर की भिगोई रोकर, मैं गरीब हो गया। वसीयत नामा इमाम मजदूर पे करवा रहा ना होगा दूसरा रूप में शिकायत मत कर। याद अब्बास की आएगी बहुत है ज़ैना, कत्ल के बाद जो आएगी मुसीबत सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। कत्ल के बाद जो आएगी मुसीबत सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। शामे गम आएगी छिन जाएगी सर से चादर।
आदम वादा दर बदर यूं ही फिराएंगे लई बेपरदा रसन बांधेंगे जिस दम वादा दर बदर यूं ही फिराएंगे लई बेपरदा हर तरफ होंगे तमाशाई हंसेंगे हम पर मिलके ज़ैनब से बहुत रोते हैं कहते हैं हुसैन ज़ैनब से बहुत रोते हैं कहते हैं हुसैन मिलके ज़ैनब से बहुत रोते हैं कहते हैं हुसैन भाई की याद सताती है तड़पते हैं हुसैन मिलके ज़ैनब से बहुत रोते हैं कहते हैं हुसैन जुल्म कुछ और ही बढ़ जाएगा दौरान सफर गुरबत शाह होता कैसे हो आसिफ तहरीर दरमिया बीबियों के खाक पे बैठे शाबीर गुरबत शाह होदा कैसे हो आसिफ तहरीर दरमिया बीबियों के खाक पे बैठे शाबीर हाय रो रो के ये कहते रहे आसिफ अख्तर गाजी आलमदार के मातमदार हो जिंदान शाम से अहले हरम को एक मुद्दत के बाद रिहाई मिली इमाम सज्जाद के हाथों से हथकड़ियां पैरों से बेड़ियां गले से तौके खारदार काटा गया इमाम सज्जाद ने फुफी ज़ैनब से आन के फरमाया ए फुफी अम्मा हम रिहा हो गए हम चाहें तो यहाँ रहें चाहे मदीने में शहजादे ज़ैनब ने रिहाई का नाम सुना तड़प गए ये मेरे लाल सज्जाद मैंने कभी तो अपने भैया हुसैन का मातम भी नहीं किया ये मेरे लाल सज्जाद इस काफिले को करबला लेके चल हज़रदारों
अहल हरम का लूटा हुआ काफिला जिंदान से रिहा होके करबला आ गया। खुद को शहजादे जैनब ने भाई की लहर पर गिरा के मर्जिया पढ़ा। वो मर्जिया पर शक्ल नौहा पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए इंशाल्लाह मुसाफ होंगे और शहजादे आलमयान को उनको लेटो बेकुल पे का फुर्सा। इतना वतन को याद किसी ने नहीं किया, क्या बात है जो बंद है रोने का सिलसिला, नन्हे से उसके कब्र पे चादर चढ़ाऊंगे। पहले घर अपने जाऊंगी, पहले गरीब भाई का चेहरा मनाऊंगी। बच्चों पे अपने बाद में आंसू बहाऊंगी, पहले गरीब भाई का चेहरा मनाऊंगी। हो के पहले गरीब भाई का चेलुम मनाऊंगे। ये बंद बताओ खास मुलाजा फरमाए कि जिसको वतन जाने की सबसे ज्यादा तमन्ना थी उसे वतन जाना नसीब ना हुआ। ज़ादारों तो तमन्ना जिंदा ने शाम में घुट के रह गई। बच्चों पे अपने बाद में आंसू बहाऊंगे, पहले गरीब भाई का चेहलुम मनाऊंगे। साहिबा ने औलाद का मजमा है ने नहीं किया, क्या बात है जो बंद है रोने का सिलसिला, बात है जो बंद है रोने का सिलसिला, क्या बात है जो बंद है रोने का सिलसिला। नन्हे से उसके कब्र पे चादर चढ़ाऊंगे, पहले गरीब भाई का चेहरा मनाऊंगे। मुलाजा फरमाए जहाँ जहाँ हजरात बतौर खास रो कर अखी की कब्र पे हम शेर ने कहा, आपस उठ के दिल का मेरे हौसला बढ़ा। बतौर खास हजरात मेरे हौसला बढ़ा।
के दिल का मेरे हौसला बढ़ा, अम्मा को कैसे हाल तुम्हारा बताऊंगे, शरकैन पर साया कहाँ से लाऊं मैं लाशे हुसैन पर, साया कहाँ से लाऊं मैं लाशे हुसैन पर, साया कहाँ से लाऊं मैं लाशे हुसैन पर, शहे मशरकैन पर साया कहाँ से लाऊं मैं लाशे हुसैन पर, पानी पीऊंगी ठंडा न साए में जाऊंगी, भाई का मातम करने के बाद शहजादी ज़ैनब के नाना की मज़ार पर पहुंची है, तो कड़क के क्या मर्जिया पढ़ा है, वो मर्जिया मुलायदा फरमाया जरा। कब्र नबी पे पहुंची अजब शोर शैन से, नाना मदीना हो गया खाली हुसैन से, जब शोर शैन से नाना मदीना हो गया खाले हुसैन से, रोऊंगी और अहले वतन को रुलाऊंगी, कुर्ता निकाल कर लाया फिर सगीर का कुर्ता निकाल कर, दिखलाया फिर सगीर का कुर्ता निकाल कर, रखा लहू में डूबा मामा संभाल कर, दिखलाया फिर सगीर कुर्ता निकाल कर, सुगरा को कैसे दाग रसन का दिखाऊंगे, को कैसे दाग रसन का दिखाऊंगे, पहले गरीब भाई का चेहलुम मनाऊंगे, और इसने मक्का मुलाकात जहाँ जहाँ द्रापदा का पहले गरीब भाई का चेहरा मनाऊंगी, किस बेकसी के साथ
برادر ہوا شہید آگے بیان کیا کرے اختر نقی مزید اختر نقی مزید یوں ہی جیوں گی قبروں پہ شمع جلاؤں گے پہلے جزاک اللہ تقبل اللہ بارگاہ شہزادی کارینڈر کے بیگس نال کا پرسہ پیش کر رہی ہے انجمن اسکریہ قریو مہٹ سلطان پور میں انجمن محبان حسین لکھنؤ کی عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حلقہ ماتم کے قریب تشریف رکھیں انجمن کے ماتم کے فوراً بعد انجمن محبان حسین سے گزارش رہے گی کہ وہ آمادہ ہیں حسن اون محمد سلام اصغر غنچہ دہن اون محمد سلام اصغر غنچہ دہن اون محمد سلام اصغر غنچہ دہن نوجوان اکبر سلام قاسم ابن حسن اون محمد سلام سلام ہو اے شہید لینواں سار اللہ یا باب دلہ یا ابن مرتضی حیدر یا ابن فاطمہ زہرا سلام ہائے بے کفن حسین سلام و سلام ہائے بے کفن حسین سلام و سلام ہائے بے کفن حسین سلام و سلام اے شہ زمن حسین سلام و سلام ہائے بے کفن حسین جگر فگانے
करबला Zahra, Zahra, Zahra.